जय माता दी दोस्तों, मैं रोशनी शुक्ला, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि वो धन धान्य से संपन्न हो, वो भी ऐसो आराम की जिंदगी बसर कर सके, उसके पास भी पैसा हो, बड़ा सा घर हो, सुख सुविधा की हर चीज मौजूद हो। लेकिन असल में बहुत से लोगों को कड़ी मेहनत करने के बाद भी दो वक्त का भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता है। पर कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो हमें आगे बढ़ने में काफ़ी मददगार होते हैं, हमारी बहुत सी समस्याओं को खत्म कर देते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसा ही उपाय बताऊंगी जिससे आपकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन इस उपाय को, इस टोटके को किसी को आपको बताना नहीं है, गुप्त रखना है, क्योंकि किसी को बताने से उपाय का प्रभाव खत्म हो जाता है। इस उपाय को करने से बिल्कुल ही आपका भाग्योदय हो जाएगा। पहली चीज है काली हल्दी। दोस्तों, काली हल्दी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। ये आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान में आसानी से मिल जाएगी। काली हल्दी लाके इसे गंगा जल से स्नान करा के शुद्ध कर लेना है। इसके बाद इसे किसी लाल कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति के चरणों के पास रख देना है और इसे 7 दिनों तक वहीं रखा रहने देना है और रोजाना इसे धूप दीप दिखाना है। इससे ये सिद्ध हो जाती है। ये इतना तेज लक्ष्मी को खींचने वाला टोटका है कि माता लक्ष्मी आपके घर में निवास करने लगेंगी। 7 दिन के बाद इसे आप अपने धन स्थान या तिजोरी में रख लें। ये तेजी से धन में बढ़ोतरी करती है, धन को खींचने का काम करती है। आप कुछ ही दिनों में अन्य धन से परिपूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको काली हल्दी ना मिले तो एक दूसरा उपाय ये है कि तुलसी का पौधा, जो कि हर घर में मिल जाता है, उसकी थोड़ी सी जड़ को रविवार का दिन छोड़कर किसी भी दिन प्रार्थना करने के बाद निकाल लें और इसे अच्छी तरह से गंगा जल से धोकर किसी चुनरी में लपेटकर माँ दुर्गा के चरणों में 9 दिनों के लिए रख दें। इससे ये सिद्ध हो जाएगी। फिर इस जड़ को ताबीज में भरकर पहन लें। इसके बाद आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। अन्य धन दौलत, शोहरत, गाड़ी बंगला, नाम प्रसिद्धि सब कुछ मिलेगा। बस सच्चे मन से आप इनमें से कोई भी एक उपाय करके देखें, आपकी सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी जानकारियाँ हमारे तंत्र शास्त्र में बताई गई हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।